हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एस फॉर शमसी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लूस्टार 1.5 टन इन्वर्टर एसी में H6 एरर क्यों आता है, इसकी रीज़न और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट मिल सके। ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी में जो H6 एरर आने की वजह है वो इसके इंडोर की जो ब्लोअर मोटर है इसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू आ जाए तो इन्वर्टर एसी के ऊपर H6 का एरर आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि मोटर से पहले आप इसके जैक जो PCB कार्ड के अंदर लगे होते हैं या इसका जो वायर है उसको चेक कर लें, कहीं वो डैमेज तो नहीं है, कट तो नहीं गया, उसके अंदर कनेक्टिविटी तो नहीं ख़त्म हो गई। अगर ऐसा होगा तो तब भी H6 का एरर आएगा, और अगर ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और कनेक्टर भी बिल्कुल ठीक है, वायर भी बिल्कुल ठीक है और मोटर भी जैम नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि मोटर की जो अंदर की वाइंडिंग है या उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसके अंदर जब प्रॉब्लम आ जाए तो वो मोटर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, उसकी वजह से इस एसी के ऊपर H6 का एरर आना शुरू हो जाता है। तो सिंपली ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी के अंदर H6 के एरर आने की वजह यही है कि इसकी जो फैन ब्लोअर मोटर है इंडोर की उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो H6 का एरर आता है। तो बहुत छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा,